हेलो दोस्तों, सर्दी का मौसम आ चुका है और आपके लिए स्पेशल प्रोडक्ट आ चुका है। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे अपने ब्यूटीफुल प्रोडक्ट मिल्टन के थर्मोस्टीर जग की, जिसको ग्रैफे भी बोलते हैं। पता नहीं इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, लेकिन ग्रैफे के नाम से जाना जाता है। मैं इसे खोल ही दे रहा हूँ। उसको फाइनली पैकिंग तो काफ़ी अच्छी करी है इन्होंने। प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। क्लेम करते हैं ये लोग 24 आवर्स हॉट एंड कोल्ड रखने का। ये कैरेफे 2000 मेज 2 लीटर का होगा आई गेस। नहीं तो चेक करते हैं क्वांटिटी लीटर में कहाँ पर लिखा है, कहीं नहीं लिखा। प्रोडक्ट की 1 ईयर की वारंटी है। चलो जो भी है, मिल्टन के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं अपने को इतना पता है। इसको खोल लेते हैं, इसको देख लेते हैं अंदर कैसा प्रोडक्ट है। ओके, ये फाइनली आ चुका है। इसके अंदर कुछ नहीं है, साइड करते हैं। ओके, यहाँ पर एक धूल मिट्टी सी मुझे दिख रही है। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है, नया प्रोडक्ट है फिर भी। चलो जो भी है, इसको भी निकाल लेते हैं। इसको करते हैं साइड में। और फाइनल हमारे पास मिल्टन का ब्यूटीफुल प्रोडक्ट आ चुका है। काफ़ी सॉलिड लग रहा है यार, हैंडल भी काफ़ी स्टर्डी है। खोल के देखते हैं इसको। ओके, हियर वी गो। सो गाइस, अंदर से दिखने में बिल्कुल ऐसा है, मेरा हाथ तो नहीं जाएगा, लेकिन किसी का हाथ अगर छोटा हो तो आराम से अंदर जाके वो साफ कर सकता है। ठीक है, नाइस। ओके, तो जब ये मैंने इसको पिक्चर में देखा था तो मुझे लगा था ऐसा लगाएंगे तो इसको हैंडल को इस तरफ ही होना चाहिए ताकि पकड़ के पानी निकाल सके, लेकिन अब नोटिस करा है इसको जब दबाते हैं, ये देखो, तो ये होल्ड करता है पानी को और ऐसे दबाने पर यहाँ से पानी रिलीज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला हिस्सा लगाने पे किसी भी तरफ हो, यहाँ दबाओगे तब भी पानी निकलेगा, क्योंकि इसका लॉक इधर से नहीं है, वो बीच में से है। तो इसको थोड़ा और टाइट करोगे तो यहाँ तक आप लेके आ जाओगे, और यहाँ दबाओगे तो आराम से पानी निकालोगे। ठीक है, इसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि 24 घंटे जो ये क्लेम करता है क्या वो सच है। और एक लॉजिकल चीज़ बताता हूँ आपको, 24 घंटे बोलता है तो ये हम लोगों को मानना चाहिए कि 24 घंटे का ये मतलब हुआ पानी रख दिया और उसके बाद 24 घंटे बाद ही खोला। बीच बीच में खोलते रहेंगे तो 24 घंटे नहीं चलेगा। इतना थोड़ा हम अपन लोगों को लॉजिकल होना ही पड़ेगा। कंपनी क्लेम कर दिया कि मैक्सिमम 24 घंटे, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार 24 घंटे की बार बार ही खोला और फिर दोबारा चाय वाए या फिर पानी लिया गर्म या ठंडा पानी लिया तो रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा लॉजिकल यही है कि एक बार रख दिया उसके बाद 24 घंटे बाद ट्राई करेंगे कि कितना गर्म रहेगा या फिर कितना ठंडा रहेगा। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, मैंने इसके अंदर गर्म पानी डाल दिया है, यहाँ तक भरा हुआ है, काफ़ी गर्म पानी है। अभी क्या है, इनका दावा है कि ये 24 घंटे तक गर्म को गर्म रखेंगे और ठंडे को ठंडा। तो अभी गर्म पानी डाल दिया है, और अगर अभी हम टाइम देखें तो होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके, रात को 8:15 है, यानी कि 7:45। तो हम कल 7:45 पे देखेंगे कि कितना गर्म है, क्या सच में कल भी इसके अंदर से ऐसा ही धुआं निकल रहा होगा या फिर नहीं। अभी हम इसको लॉक करते हैं और मिलते हैं आपसे 24 घंटे के बाद। तो आज हम दूसरे दिन आ चुके हैं। इसके अंदर गर्म पानी हमने 24 घंटे के लिए रखा था, और कल रात को हमने 7:45 पे इसके अंदर गर्म पानी रखा था, और अब टाइम देखते हैं तो 7:48। तो लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, और हमको ये पता लगाना था, जैसा कि मिल्टन वाले दावा करते हैं कि 24 घंटे तक पानी गर्म ही रहेगा और 24 घंटे तक पानी ठंडा ही रहेगा अगर ठंडा डाला तो।
24 घंटे हो चुके हैं, कल जब हमने देखा था तो इसमें से धुआं निकल रहा था। अब खोल के देखते हैं क्या इसमें से धुआं निकलता है या फिर नहीं निकलता। एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी है नहीं मेरे साथ, कोई भाई गया हुआ है बाहर, तो एक बार देख लेते हैं। और ओके, तो धुआं तो नहीं निकल रहा है इसके अंदर से, और पानी भी देख लेता हूँ। ओके यस, पानी गर्म है अभी, मतलब उतना हॉट वाटर नहीं है लेकिन गर्म है। इतना गर्म है कि जितना हम अपने सर्दियों में नहाने के लिए गर्म रखते हैं पानी, उतना गर्म। थोड़ा वेट करो, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना गर्म है। तो अब देखते हैं कि पानी कितना गर्म है। ओके, 24 घंटे हो चुके हैं इस पानी को, और मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस पानी के अंदर, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा लेकिन पानी के अंदर अभी भी धुआं उठ रहा है। ये पानी गर्म है अभी भी, 24 घंटे बाद भी ये पानी अभी भी गर्म है, और सच में धुएं वाला गर्म है। उस टाइम पे भाप थी ऊपर, यानी कि भाप की वजह से पानी हो गया था, इस वजह से लग नहीं रहा था, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो धुआं अभी भी निकल रहा है। ये देखो, नोटिस किया आप लोगों ने, धुआं निकल रहा है अभी भी। एक बार ये और डाल के दिखाता हूँ आपको पानी, थोड़ा फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि साफ दिखाई दे। और ये मिलेंगे वही बॉटल है, अब आप लोग देख सकते हो, ये 24 घंटे पुराना पानी है और इसके अंदर अभी भी धुआं निकल रहा है। तो हाँ, ये मिल्टन कैरेफे, मिल्टन कंपनी अगर बोलती है कि 24 घंटे तक पानी गर्म रहेगा तो हाँ ये गर्म रहेगा। क्या अगर ये चाय भी होती तो बिल्कुल पीने लायक चाय होती, और अगर यहाँ पर इसमें कोई ठंडा शरबत वगैरह होता तो वो 24 घंटे बाद ठंडा ही रहता। अभी ठंडे का मैंने इसमें कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, लेकिन अगर ये गर्म को इतने देर गर्म रख सकता है तो हम लोग बिलीव कर सकते हैं कि ठंडे को भी ठंडा रख सकता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। ये पानी अभी भी गर्म है, और अगर गौर से देखोगे तो हाँ इसमें अभी भी धुआं निकल रहा है। 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे के बाद भी इसमें से धुआं निकल रहा है। सीरियसली गाइस, तो मुझे लगता है कि मैं इसको पूरी सर्दी यूज़ करने वाला हूँ, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप लोग भी अपने लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो हाँ, मिल्टन का ये वाला कैरेफे, ये 2000 ml, मतलब 2 लीटर का है, वो काम करेगा डेफिनेटली। आप मुझे बताइए अपने कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट, और अगर आप इसके साथ कोई और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, कुछ राय देना चाहेंगे तो बताइए। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, थोड़ी बड़ी बॉटल है क्योंकि 2 लीटर के हिसाब से, लेकिन बहुत अच्छी बॉटल है। मतलब 24 घंटे तक अगर चाय रखोगे इसके अंदर तो गर्म मिलेगी। चलो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू आपका, आपके लव और सपोर्ट के लिए।